नरेंद्र मोदी की शख्सियत ही ऐसी है कि हर कोई उनका मुरीद हो जाता है। जब से वो सत्ता में आए हैं, बस भारत की शाख सुधारने में लगे हैं। जिसके बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि हर कोई मोदी के ही गुणगान गा रहा है। और अब फेहरिस्त में शामिल है अमेरिकी थिंक टैंक, जिसने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। भारत अमेरिका के एक शीर्ष थिंक टैंक का कहना है कि पिछले सप्ताह बिहार की राजनीति में जिस तरह से बीजेपी ने वापसी की है और सत्ता पर अपनी पकड़ बनाई है, उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा को स्वर्ण युग में ले जाने का काम किया है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक कॉनर्जी एंडोवमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस में साउथ एशिया प्रोग्राम के डायरेक्टर मिलन वैष्णव ने कहा, भारत में लंबे वक्त तक नेहरू गांधी डायनेस्टी का राज रहा, जिसके बाद अब ताजा संकेतों के मुताबिक भारत में सत्ता का नया केंद्र बीजेपी बन चुकी है। बीजेपी को अगले आम चुनाव में केवल टॉप पोजीशन नहीं मिलेगी, बल्कि वो राज्य सरकारों में ताकतवर स्थिति में रहेगी। बीजेपी की सरकार अपनी स्ट्रेंथ बना रही है, वो योजनाओं के स्थायित्व और राजनीतिक एकीकरण के लिए काम कर रही है, जिसके बाद वो अपने बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज, एक राष्ट्रवादी सोच के चलते युवाओं और पूरे देश में पॉपुलर हो रहे हैं। अब थिंक टैंक की इस बात में कितनी सच्चाई है, ये तो मोदी बीजेपी के राजस्व को फैलाकर साबित कर ही चुकी है, जिसकी वजह से ही आज वो 18 राज्यों में बीजेपी का कमल खिला रहे हैं। जिसके बाद ये कहना वाकई गलत नहीं होगा कि मोदी बीजेपी को स्वर्ण युग में ले जा रहे हैं। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।